तो आज है ठंडा मौसम, बिल्कुल ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो आज क्या स्पेशल बन रहा है मम्मा? आज सर्दी हो चुकी, सुबह ही ठंड हो गई थी, सुबह यहाँ बारिश आई थी, तो फिर मैंने दाल भिगो के रख दी थी। तो आज मैंने सोचा पूए पकौड़ी और हरी चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए ये दाल चाहिए, मैंने ये मूंग की धुली हुई दाल ली है, और ये उड़द की, वो धुली हुई नहीं है सॉरी, ये छिलके वाली है, और ये भी छिलके वाली, ये चोले की दाल है और ये मूंग की दाल है। आप धुली भी ले सकते हो और ऐसी भी ले सकते हो। तो ये दोनों दाल लिए मैंने, बराबर मात्रा में ले लिया। आप इसे कम कर सकते हो, इसे थोड़ी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतनी क्वांटिटी लो, लेकिन ये ज़्यादा डालेंगे तो पकौड़ियाँ थोड़ी क्रिस्पी बनती है। तो मैंने ये दोनों दाल लेके भिगो के रेडी कर रखी है, इनके छिलके भी निकल गए, कुछ रह गए, कोई दिक्कत नहीं रहती कुछ में। अब इन्हें मैं जार में डाल दूंगी और पीसेंगे। अब तो आज बन रहे हैं पुए पकौड़ी, पूए पकौड़े राजस्थान की फेमस राजस्थान की फेमस। फेमस सर्दियों अगर बारिश का पहले के मौसम जमानों है। में तो हाँ यही था कि पूए पकौड़े बना लो, चूरमा दाल बाटी बना लो। अब इसमें मैं ये हरी मिर्ची डालूंगी, हरी ये लाल मिर्ची डालूंगी, सॉरी लाल मिर्ची। आप इस तरह से भी डाल सकते हो और बाद में वो बारीक वाली भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से डालते हैं तो पकौड़ियाँ अच्छी बनती है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं डाल पानी डालेंगे। ये मैंने पीस ली है, देखिए पिस गई है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, मिर्ची तो हमने डाल ही दी थी, थोड़ा सा हींग का पानी डाल देंगे, एक हरी मिर्ची ली है मैंने, अदरक और ये लहसुन, लहसुन को हम बारीक करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हो तो लहसुन को हटा सकते हो, लेकिन दाल के पकौड़े में लहसुन डालते हैं तो काफी स्वादिष्ट लगती है, और सर्दियों में तो लहसुन ज्यादा खाते हैं लोग बाग। और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो इसमें लहसुन इस तरह से डालेंगे, इस तरह से डालते हैं तो फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, और अगर काट के डालेंगे तो फिर फ्लेवर थोड़ा कम आता है। ये अदरक और हरी मिर्ची भी इसमें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे इसमें, और इसमें आप सभी मसाले डालेंगे। आधी चम्मच साबुत धनिया डाल रहे हैं, आधा चम्मच करीबन नमक डाल देंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। गरम मसाला डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, हम आधे चम्मच से थोड़ी सी कम हम सौंफ डाल रहे हैं, और मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसमें लाल मिर्ची और डाल सकते हो, बाकी हम भी स्पाइसी ही खाते हैं तो ये मसाले काफी सही है। तो ये हमारे दाल के पकोड़े का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम पुए का बैटर बनाएंगे। अब मैं पुए बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसे जार में डाल दूंगी, और आधी कटोरी में चीनी ले लूंगी, इसे भी डाल देंगे।
और अब पानी डालेंगे। पहले मैं एक कटोरी पानी डालूंगी और मिक्स करूंगी। जार में हम बैटर बनाते हैं तो लंप्स नहीं पड़ते, और इस तरह से बनाएंगे ना तो इसमें लंप्स ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं तो आजकल इसी तरह बनाने लग गई जार में, और बनता भी अच्छा है, स्मूथ भी बन जाता है इसमें। अब इस तरह से एक बार मिक्स कर ले, फिर आराम से पीस जाएगा ये। ये मैंने बर्तन में निकाल लिया है। एक कटोरी गेहूं का आटा लेते हैं तो एक कटोरी पानी ले ले और आधी कटोरी चीनी ले ले, बस यही काफी है। और ये मैंने नारियल के कुछ पीस लिए हैं, अगर हम नारियल के पीस डाल देते हैं तो पूरे काफी स्वादिष्ट लगते हैं, मैं तो अक्सर यही डालती हूँ। मिक्स कर लेंगे। अब हम चटनी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने हरा धनिया ले लिया, दो हरी मिर्ची ली है, अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। हरी चटनी मैंने कई बार बता दी, तो रट गई होगी अब। रट गई होगी। थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे। इसमें जीरा डालेंगे, जीरा डालने से काफी स्वादिष्ट लगती है चटनी और फायदा भी करता है। और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से हरी चटनी, ये हरा कलर बरकरार रहता है इसमें, और हल्दी तो एंटीबायोटिक होती है, हल्दी का कोई टेस्ट नहीं आता। काफी व्यूअर्स कहते हैं कि हल्दी से टेस्ट खराब हो जाएगा, नहीं होता, मैं तो हमेशा डालती हूँ। और हींग का पानी डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाना चाहते हो तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। और हींग का पानी जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं, हम डाल चुके हैं हींग का पानी पहले, तो आप या तो सर्च कर सकते हो, या तो आप सर्च कर सकते हो, या आप पिछले वीडियोस डाल के जाके देख सकते हो। सर्च कर लेना हींग का पानी मम्मा की रसोई, या हींग का पानी से ही आ जाए। अब इसमें नींबू डाल देंगे। ये बड़ा साइज का नींबू है तो मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और नींबू भी डाल सकते हैं, और इसे हम पीस लेंगे। तो ये हमने पुए पकोड़ी की तैयारी कर ली है। ये दाल की पकोड़ी का बैटर बना लिया, ये पुए का बना लिया, और ये हरी चटनी बना ली है। अब सबसे पहले हम पकोड़ी तैयार करेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। जब भी पकोड़ी बनानी हो तो थोड़ा सा गर्म तेल इसमें से इस तरह से लेके डाल लें, इससे पकौड़ियाँ काफी अच्छी बनती है। इससे तेल भी कम सोखेगा और मैं पुए में भी डाल दूंगी थोड़ा सा। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी तो मैं हाथ से बनाऊंगी। इस तरह से लेंगे, ये मैंने डाल दिया रवि में, मीडियम आंच पे उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। छोटी बड़ी आप कैसे भी बना सकते हो पकौड़ी, जैसे भी पसंद हो वैसे बना ले। मैंने कुछ छोटी भी बना ली, कुछ बड़ी भी बना दी, सब तरह की बना ली मैंने इसमें। अब इन्हें करारी होने तक सेक लेंगे। तो बनाइए सर्दियों के मौसम में दाल की पकौड़ी, जैसे ठंड हो जाने होने लग जाती है तो ये चीजें खाने की ऑटोमेटिक ही इच्छा होने लग जाती है। देखिए पकौड़ियाँ सिक गई है। अगर आपको ज्यादा करारी पसंद हो तो आप ज्यादा करारी भी सेक सकते हो, और थोड़ी कम पसंद हो तो कम सेक सकते हो। मुझे इतनी पसंद है इसलिए मैंने इतनी ही सेकी है।
बिल्कुल, और बाजार जैसी बनी है बिल्कुल। अब हम पूरे बनाएंगे। ये दाल की पकौड़ी बन गई है। बाजार में भी ज्यादातर दाल की पकौड़ियाँ हाँ ही दाल मिलती की हैं। मिलती है। अब पूरे भी हम हाथ से बनाएंगे, इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से करेंगे। देखिए जब भी कोई भी चीज डाले तो गैस सिम कर ले। पकौड़ियाँ तो मिल जाती है बाजार में, लेकिन पूरे नहीं पोहे कम मिलते मिलते, हैं। पूरे नहीं मिलते। अब गैस मीडियम कर लेंगे और सिकने देंगे। थोड़ी देर में सिकने देंगे। और इन्हें उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। तो आप बताइए कमेंट करके, ये वैसे राजस्थान की फेमस डिश है डिश पुए, है, आपके यहाँ क्या नाम से इसे बोला जाता है? इन्हें गुलगुले भी बोलते हैं काफी लोग, लेकिन हम तो पुए ही बोलते हैं, तो हम पुए ही बोलते हैं। सबके सबके अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, और कई जगह तो बस जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं कि क्या होते हैं। मालपुए तो जरूर जानते हैं, ये नहीं जानते। लेकिन पुए, ये है गुलगुले, पुए, गुलगुले, गुलगुले। गुलगुले। बाकी इन्हें मिर्ची के अचार से भी खाइए, कैरी के अचार से खाइए, ये ठंडे भी अच्छे लगते हैं। इन्हें सेक लेंगे। गैस फुल कर दी मैंने अब, और इन्हें घुमाते हुए उलट पुलट करते हुए करारा होने तक सेक लेंगे। तो जो भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, हम उनको बता देते हैं कि हमारा Facebook पे भी पेज है, मम्मा की रसोई, आप जाके फॉलो कर सकते हो। और जो लोग Facebook पे देख रहे हैं, हम उनको भी बताना चाहेंगे, हमारे YouTube पे चैनल है अनीता जैन रेसिपीज, सर्च करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। कई लोग तो ऐसे हैं हम जानते हैं, जो दोनों पे ही हमारी रेसिपीज को फॉलो देख करते हैं, देखते हैं। ये सीख गए हैं, मैंने गैस बंद कर दी है, और इसी तरह से सभी बना लेंगे। देखिए वाह, वेरी वेरी इसके यम्मी। फेवरेट है पुए। ये पकोड़ी नहीं खाता, ये पुए ही खाता है। तो ये हमारी दाल की पकोड़ी बन गई, ये पुए बन गए, और ये चटनी बन गई। तो इस तरह से सर्दियों में बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। बाय बाय।